बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट शाहीन। अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी अमान में रखे। देश में परदेश में रहने वाले मेरे तमाम बहन भाई बच्चे छोटे बड़े बूढ़े सब लोगों को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी दुआ में याद रखियेगा। जी साथियों, आज चलते हैं किचन में और बनाते हैं कोई थोड़ी सी डिफरेंट चीजें। बहुत हो गई जनाब पाकिस्तानी खाने, तो ये पराठे, तो ये गोश्त, तो ये भिंडी, तो ये फलान, तो ये ढमकान। आज सोचा है कोई अन्नी पादे प्रोग्राम करते हैं, कोई थोड़ा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा हटके करते हैं। तो आज मेरा जो है ना मुंह जो से तुर्की वाला हो गया जनाब, तो एक टर्किश डिश बना रहे हैं जिसका नाम है अदाना कबाब। तो ये टर्किश डिश है और टर्किश कबाब है, ये बड़े फेमस है वहां पे। तो मैंने सोचा कि आपको भी बताती हूँ। आज के बाद जनाब आपने अपने अपने घरों में किचन में घुसने और तुर्की डिश बनानी है जनाब, अदाना कबाब बनाने। अदाना कबाब बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और किस तरीके से बनाएंगे, कैसे करेंगे, खड़े होकर बनाएंगे, बैठ के बनाएंगे, लेट के बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनते हैं, चलिए मेरे साथ हम देखते हैं मेरे किचन में शाहीन के संग अदाना कबाब कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बनाने लगे हैं हम लोग टर्किश अदाना कबाब। उसके लिए मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है और कीमे को 2 बार निकलवा लिया है, बारीक कीमा करवा लिया है मैंने। उसके साथ जो स्पाइसेस हैं वो मुझे चाहिए 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया, जो ड्राई कोरिएंडर होता है सूखा धनिया पिसा हुआ घर में पिसा है, 1/2 टीस्पून हल्दी चाहिए, 1 टीस्पून काली मिर्च चाहिए। उसके साथ 2 प्याज मीडियम साइज के लिए जी, मीडियम साइज के 2 प्याज ली हैं, उन्हें मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। उसके बाद इनका प्याज निचोड़ लिया है और पानी निचोड़ लिया है इनका, तो ये प्याज जो है ये ड्राई फॉर्म में ये हमारे पास है। 1 हरी मिर्च बड़े साइज की थी तो हरी मिर्च 1 मैंने काट ली है, 1 टमाटो लिया है, 1-2 ये शिमला मिर्च होती है, ये लंबी वाली लाल मिर्च होती है ये वाली दे ली है, इसे मैं छोटा छोटा चॉप करूंगी चॉपर में डालूंगी, और थोड़ा सा धनिया लिया है। ठीक है, इन चीजों को हम चॉप करेंगे उसमें डाल के चॉपर में डाल के और इन्हें मिक्स करेंगे और बन रहा है टर्किश अदाना कबाब। तो ये देख रहे हैं आप इसके इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ एक चंद देखें, काली मिर्च, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और सूखा धनिया, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। ठीक है जनाब, तो चलते हैं प्रोसेस में। जी साथियों, हरी मिर्च काट ली है मैंने और सुरख वाली लंबी मिर्च जो है वो भी मैंने काट ली है मोटे मोटे पीसेज में, और टोमेटो काट ले, धनिया काट ले, इन सब चीजों को डालने लगे हैं चॉपर में। जी ये है कीमा हमारा, इसके अंदर डाल रहे हैं हम प्याज और लहसुन और अदरक को जो कि हमने चॉपर में चॉप करके तो स्क्वीज कर लिए पानी उसका, ये प्याज चला गया हमारा। उसके बाद इनको साइड रखते हैं, काली मिर्च, हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धनिया पाउडर, नमक, सुरख मिर्च और लास्ट में ये जो बैटर मैंने तैयार किया है, बैटर क्या तैयार किया है इसमें सारी चीजें जो आपको बताई सब्जियां मैंने वो वाली चॉप की हैं, तो अब इसमें मैं ये डालने लगी हूँ। हमारा बैटर है, ये हमारा बैटर है जो कि मैंने टमाटर, लाल शिमला मिर्च, हरी मिर्च और धनिया, ये चीजें जो थी मैंने चॉप कर ली है, अब इसमें ये सारी चीजें डालने लगी हूँ। क्योंकि इनका जो कलर है रंग बिरंगा सा रंग होता है, या अदाना कबाब की स्पेशलिटी होती है, इसकी ब्यूटी होती है यही। ठीक है जनाब, अब इसे मैं मिक्स करती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि मिक्स करने के बाद इसका रंग रूप कैसा निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसे बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि मैं अच्छा से इसे मिक्स कर सकूँ। ठीक है जनाब, मुझे ये तंग लग रहा था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे अच्छे से हाथों से इसे दबा दबा के अच्छा से मिक्स कर लें। अगर बड़ा चॉपर आपके पास है तो बेशक चॉपर में डाल दूंगी मैं, यहाँ हाथ से क्या अभी दस बार चॉपर में डालूंगी तो उसमें से निकालूंगा। चलिए जनाब, हमारा जो कीमा है वो मैरिनेट हो चुका है, मीन्स के जितना कुछ था वो सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं, लेग्यूम्स भी डाल दिए, मीन सब्जियां भी डाल दी और मैंने इसे अच्छा से मिक्स करके रख दिया। ये देखें ये वाली शेप आई है इसकी। ओके, अब इसे मैं कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखने लगी हूँ, उसके बाद हम इसकी फ्रेंच। Oh.
जी कीमा लिया है हमने, हाथ भर के कीमा लेना है और हाथ से थोड़ा सा ऐसे करेंगे गोल गोल, और उसके बाद हमने एक सीख ले लेनी है और इसको जोर से यूं इसके ऊपर प्रेस कर देना है और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर हमने इसे लंबा लंबा करना शुरू कर देना है। जी इस पे आ गए, अब हमने इसके ऊपर फिंगर मार्क्स लगाने हैं, तो ये ख्याल रखिएगा ये कोनों से आपने इसे दबा के टाइट कर लेना है और उसके बाद हमने ये अंगूठे की मदद से ये इस पे फिंगर मार्क्स लगाने हैं। ये देखें जबरदस्त जी, हमारी एक सीख जो है वो तैयार हो चुकी है। जी ऐसे ही जितनी भी आपके पास सीखें हैं उनको सारों को मैंने, ये देखें इसकी ट्रिक ये है, यहाँ साइड से इसे दबा के तो ये इसके ऊपर की मान से है लगा देना है, एक दफा इसके ऊपर दबाना है हमने, उसके बाद मार्क्स डाल दें हमने। ये देखिए इस तरीके से हमने सारी सीखें जो चाहिए लगा दी। जी जनाब, तो आपने देखा हमने बनाए हैं अदाना कबाब, कितने आसान, कितने जबरदस्त और कितने यमी, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बिल्कुल घर की चीजों से, कोई इसमें आपको परेशान होने की कतन कोई जरूरत नहीं। पहले जब मैं बनाने से पहले बोली थी तो मैंने बिल्कुल आपको नहीं बताया था कि क्या क्या चीजें यूज होंगी और परेशान नहीं होना और चीजें वही किचन की होंगी, लेकिन मेरी स्पेशलिटी ही ये है, मेरी कोशिश ही यही होती है कि हम वो चीज बनाएं जो कि बड़ी फेमस हो, लेकिन बनाएं इस तरह की जो घर में चीजें मौजूद हो, हमें किसी को कहने की जरूरत ना पड़े कि नस के फलानी चीज लेके आओ, आज नस की फलानी चीज लेके आओ, क्योंकि अस आज बनाने लगे हैं,
भाई इस तरह नहीं होता, ठीक है ना। मजा तो जब है ना घर में जो चीजें हैं उसी से हम इतनी डिफरेंट चीजें बनाए कि घर वाले भी खुश हो जाएंगे, हमें तंग भी नहीं किए हैं और हमें मजे मजे की डिशे भी खिला रही है। तो ये होती है स्पेशलिटी, ठीक है जनाब। तो आज की डिश आपको कैसी लगी है वीडियो देख के मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं पढ़ूं और मेरा दिल बाग बाग हो जाए जनाब, ठीक है। तो खुश रहिए, बात रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।